इलाहाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने माघ मेले में समुत्कृषा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों की तादाद में छात्राएं मौजूद रहीं। इस मौके पर सीएम ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कही और बेटियों को पढ़ाने को लेकर उनको मजबूत बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, सुषमा स्वराज और सुमित्रा महाजन जैसी महान महिलाओं का उदाहरण दिया। 12,000 बहनें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद से विद्या भारती के द्वारा संचालित अलग अलग संस्थाओं से यहां पर उपस्थित हुई हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जब दुनिया में और हमारे देश में भी महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है तो विद्या भारती महिला सशक्तिकरण के इस भाव को एक वास्तविक रूप में परिवर्तित करते हुए पूरे देश के अंदर बालिकाओं के को उत्तम और संस्कारयुक्त शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए कार्य कर रही है। मेरे लिए गर्व की बात इसलिए भी है कि विद्या भारती की स्थापना सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में गोरखपुर से हुई है, इसलिए आज का यह शिविर और इसमें उपस्थित होकर के मैं अत्यंत ही आह्लादित हूँ। बता दें कि शिविर माघ मेला क्षेत्र में 4 दिनों के लिए लगाया गया है। 4 दिवसीय शिविर में प्रदेश के 39 जिलों से विद्या भारती के विद्यालयों से 14,000 से ज्यादा बालिकाओं ने हिस्सा लिया। इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।